और इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था? एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, है ना? आपने पढ़ा था सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। आपको मैं दो ऑप्शन देती हूँ। पहला है बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा, और दूसरा है हमेशा बराबर नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, पहला या दूसरा? हमेशा बराबर होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जो मैं लिख रही हूं बताना है ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है या असत्य है। बताओ, ये जो मैंने लिखा है कि क्षेत्रफल अगर बराबर है तो आकृतियां हमेशा सर्वांगसम होंगी। यहाँ पे हम एक और शब्द जोड़ देते हैं, हमेशा, सदैव सर्वांगसम होंगी। ये सत्य है कि नहीं है? ट्रू है तो टी लिख दो, फॉल्स है जैसे भी आपको ठीक लगता है। ट्रू है, ट्रू होगा ना? ट्रू है, ट्रू है ना? चलो, अगर बच्चों आप लोग बोल रहे हो ट्रू है तो मुझे बताओ, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, एक आयत बना रही हूँ, ठीक है? एक क्यों नहीं? साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना रही हूँ, ठीक है? एक त्रिभुज बनाया मैंने, इसकी ऊंचाई मैं ले लेती हूँ 4 सेंटीमीटर है, और इसका जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का और आयत दोनों का क्षेत्रफल बताओ कितना कितना होगा, जल्दी से बताओ। दोनों का एरिया कितना कितना है, निकालो, कैलकुलेट करो। फॉर्मूलाज तो अब आपको टिप्स पे याद हो गए होंगे, है ना? ट्वेल्व, क्या दोनों का 12 है? दोनों का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है? दोनों का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है? नहीं, तो दूसरी का कितना है? दोनों का बेटा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें तो आपको 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, लंबाई इंटू चौड़ाई कर देना है। इसमें 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करना होगा। अब 6 4 24, 2 से डिवाइड करोगे 12 ही आएगा, है ना? तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों शेप सर्वांगसम है? क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है? नहीं है ना? तो आप कैसे बोल सकते हो ट्रू है जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है कि क्षेत्रफल बराबर है तो आकृतियां भी सर्वांगसम होंगी हमेशा? नहीं होगा ना, फॉल्स होगा, ये असत्य होगा। अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि वो आकृतियां सर्वांगसम हो, कॉन्ग्रुएंट हो। अच्छा, दूसरी का निकालो, कोई बात नहीं। तो आपको जो मैं समझाना चाह रही थी वो समझ में आया? बस दो चीजें याद रखनी है, अगर सर्वांगसम आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। उसमें तो आपको कुछ याद भी नहीं रखना है, एक कॉमन सा लॉजिक है। सर्वांगसम क्या होते हैं? जो दिखने में, आकार में, आकृति में, सब चीजों में समान हो। जैसे आपके दो हाथ है, दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है। आप एक हाथ को दूसरे हाथ पर, अब मेरा एक हाथ किसी एक प्लेन बेस पर जितना एरिया घेरेगा, जितना स्थान घेरेगा, उतना ही दूसरा हाथ घेरेगा, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है वो सर्वांगसम हो। समझ में आ गई ये बात? क्वेश्चन करोगे अब एक एकदम ठीक, एकदम अच्छे से? ओके, चलो जी, फिर के क्वेश्चन करके दिखाओ। देखती हूँ कितने बच्चे इस क्लास के, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करके दिखाते हैं। नहीं। तो आपको ABC और त्रिभुज PQR दोनों सर्वांगसम दिए गए हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो भुजा PQR की आपको ऊंचाई निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब दोनों के एरिया बराबर होंगे।
तो इसका मतलब आपको दूसरे वाले का एरिया पता है, आपको आधार दिया गया है, ऊंचाई निकालनी है ना? है ना क्वेश्चन बहुत आसान। अभी तक बस 9 बच्चों ने आंसर किया है क्लास में, तो इतने सारे बच्चे मुझे प्रेजेंट नजर आ रहे हैं, लगभग 25 बच्चे प्रेजेंट हैं। आंसर कितने कर रहे हैं? 10 बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में, है ना? बाकी बच्चे क्लास में नहीं है, इसका मतलब यही समझू मैं? थर्टी सेकेंड्स का टाइम और मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं आंसर्स भी दिखाऊंगी, किसी ने नोटबुक पर किया है, किसी ने नोटबुक पर किया है, तो वो नोटबुक भी बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं आपकी। अगर किसी को लग रहा है कि ऑप्शन ही में ही नहीं है, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप अपनी नोटबुक करके दिखा सकते हो कि मैम इस स्टेप के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप समझा दो, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। विष्णु के नाम से जो भी है बेटा, आपका तो बिल्कुल ठीक है। आप लोग आंसर के ऊपर अपना नाम भी लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन बच्चा है। चलो, अभी तक बस 14 बच्चों ने आंसर किया है, इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास में नहीं पढ़ रहे। मोनिका, वेरी नाइस। इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, इतना कम रिस्पॉन्स कैसे आ सकता है? मैं आंसर दिखा देती हूँ, पोल में जाकर आप आंसर देख कर आओ। सिर्फ 5 बच्चों का आंसर सही है। क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, वो चीज मुझसे चैट बॉक्स में पूछो। ऐसा करते हैं, मैम कौन सा सही है? वो मैं भी बताऊंगी, आप लोग ही बताओगे, आप लोग से ही क्वेश्चन करूंगी। रुको, यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दे दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, और आपसे कहा गया है कि ये दोनों सर्वांगसम है। ये बात आपको कहा गई है कि दोनों सर्वांगसम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सीधी सी बात है, ए ए जो बच्चे लिखते रहे हैं, मुझे एक्सप्लेनेशन आपका जब पूछूंगी ना तो बताना कि आपने किया कैसे है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज पता चल गई। अब मुझे ये बताओ जल्दी से कि ए बी सी का एरिया कितना दिया गया था क्वेश्चन में, जिस जिस बच्चे ने 12th चालीस क्वेश्चन पढ़ा था उसको पता हो। मैम वेरी चालीस नाइस, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, इसका मतलब पी क्यू आर का एरिया भी कितना होगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आपको ये बात पता है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको फॉर्मूला भी पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है ना, 1/2 × आधार। अब यहाँ आधार क्या है? क्यू आर आधार है, सभी बच्चों को पता है मैम ना, क्यू 10। आर आधार है और पी एस ऊंचाई है ना? चाहे तो पहले ही स्टेप में आप 10 लिख दो आधार, क्योंकि आपके पास 10 है, क्यू आर आधार है, पी एस आपकी ऊंचाई है, या आप इनको बी और एच करके लिख सकते हो, बेस इंटू ऊंचाई, ये 40 के बराबर आ गया। पर आपको पता है आधार कितना है? आधार आपको क्वेश्चन में 10 दिया गया है, ये क्वेश्चन की तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे मैम कितना आएगा? पांच बेटा अनम्यूट करके नहीं बताना है, अनम्यूट करके नहीं बताना है। सॉरी मैम और कोई बच्चा? सिर्फ एक ही बच्चा और आंसर कर रहा है, 5 सेंटीमीटर आएगा। वेरी गुड, जब आप लोग कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो पोल में ना तो किसी ने आंसर किया, कुछ एक बच्चों ने आंसर किया,
और जिन बच्चों ने आंसर भी किया उनमें से केवल 5 बच्चों का ठीक था। तो या तो आप ऑप्शन सही नहीं देख रहे थे। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड ले जाकर इसको ये कर दूं, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा ना? सभी बच्चे बोलो हाँ या नहीं। कौन कौन बच्चा बोलता है कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा? सभी बच्चे बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप यही होगा, सिर्फ कुछ एक बच्चे को छोड़ के। एक बार फिर से मेरी स्क्रीन ध्यान से देखो, क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा है। मैं हमेशा सही नहीं लिखती हूँ, तो मेरी हाँ में हाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलानी है। इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड डिवाइड में होगा। पता चला ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में हो गया। अब सिंपल सी बात है, 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। है ना कितना आसान, ऊंचाई निकल गई। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा नोट करा सब बच्चों ने, ये बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। चलो कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया, 8 सेंटीमीटर। था ना बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो, अब दोबारा से देख लो। चलो बताओ सबने नोट किया और सबको समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर एरिया बदल के कर दूं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया बदल दिया मैंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बताना जरा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा या क्या आंसर होगा? ऊंचाई निकालनी है। जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस पढ़ाई के अलावा, वो क्लास के बाद के लिए बचा के रखो बेटा। क्लास के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं बता दूंगी, जो भी आपको चाहिए लिंक वगैरह। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी ऊंचाई, तो मैं लिख रही हूं ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैंने ठीक लिखा? ये मैंने ठीक लिखा? सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है ऊंचाई। क्या कोई इसमें गलती ढूंढ सकता है? मैंने क्या गलत लिखा है? वेरी गुड, सेंटीमीटर आएगा। ऊंचाई क्या होती है? लंबाई होती है किसी चीज की, और हम लंबाई के मात्रक पहले पढ़ के आ चुके हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। एरिया को हम स्क्वायर में रखते हैं, है ना? इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो ये चीज समझ में आ गई सबको? अब वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठोस आकृतियां 3D शेप्स क्या होती हैं? आपने इससे पहले भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, जब हमने 2D शेप्स के बारे में पढ़ा था। पढ़ा है आप लोगों ने 3D शेप्स के बारे में? पहले ये बताओ 2D शेप्स क्या होती है, किस किस को पता है 2D शेप्स के बारे में? कोई भी एक सेंटेंस में कुछ भी लिख दो, एक लाइन में कुछ भी लिख दो, जो जो आपको पता है। जो भी आपको पता है एक एक लाइन में लिख दो। टू डी के बारे में पूछ रही हूं मैं, द्वि। वेरी गुड, एक बच्चे ने आयत लिख दिया है। यस, आयत एक 2D शेप है, क्योंकि हम उसे नोटबुक पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंपल सी चीज याद रखो, 2D शेप कौन सी होती है? जिनमें लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई कोई भी दो बीमें हो सकती है, वो उसके दो डायमेंशन होंगे हमेशा, स्क्वायर। यस, और दूसरी चीज याद रखो कि उसे आप नोटबुक पर आसानी से बना सकते हो, बहुत ही आसानी से आप उसे नोटबुक पर बना सकते हो। तो वो 2D शेप्स हुई। अब 3D शेप्स क्या होती है? जिनकी 3 विमाएं यानी 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे, जैसे आप जब भी हम
जब भी हम 2D आकृतियों के बारे में पढ़ते थे, 2D शेप्स के बारे में पढ़ते थे, आपने हमेशा लंबाई चौड़ाई का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे आपने जब पैरेललोग्राम पढ़ा, समांतर चतुर्भुज पढ़ा, तो आपने आधार और ऊंचाई की बात करी, है ना। लेकिन हमेशा आपके पास दो भुजाएं रही हैं, दो विमाएं रही हैं, दो डायमेंशन रहे। अब वो चाहे लंबाई चौड़ाई थी, लंबाई ऊंचाई थी, है ना। अब यहाँ पर भी नाम बदल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई गहराई हो सकती है। जैसे मान लो आप किसी कुएं की बात कर रहे हो, तो कुएं के केस में आप गहराई लोगे, है ना। किसी टैंक की बात कर रहे हो तो आप गहराई लोगे। तो ये वर्ड बदल सकता है, बट क्या चीज रहेगी, तीन चीजें हमेशा हमारे पास रहेंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इस तरह से तो वो सभी आकृतियां जिनकी तीन विमाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उन्हें हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स है, घनाभ, क्यूबॉइड, घन जिसे क्यूब कहते हैं, बेलन यानी सिलेंडर, और शंकु। शेप्स आपके सामने बनी हुई है। आपको क्या करना है, अपने आसपास देखो और इनमें से किसी भी तरह की, किसी भी 3D शेप का, त्रिविमीय आकृति का एग्जाम्पल चैट बॉक्स में लिखो। सभी बच्चे अपने आसपास आप कौन सी 3D शेप्स का एग्जाम्पल देख पा रहे हो, वो एग्जाम्पल। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे सामने आपके एग्जाम्पल है बुक का। बुक एक घनाभ की शेप की होती है ना, क्यूबॉइड की शेप की आपको नजर आ रही होगी। मैच बॉक्स, वेरी गुड। पेन, यस पेन हो सकता है, पेन बेलन की आकृति का होता है। या अगर मैं इस वाले पेन की बात करूं, बेलन के ऊपर शंकु है। और बॉक्स, यस बॉक्स हो गया। टीवी हो गया, वेरी गुड। और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाओ। कप हो गया, बुक तो बहुत बार हो गया, कुछ नया एग्जाम्पल लाओ। वेरी गुड। फोन, देखो जो सबसे पास में आपके रखी हुई थी 3D शेप, फोन। और सोचो, अपने आसपास देखो ना, मैथ आपके चारों तरफ होता है, तो ढूंढो। एग्जैक्टली रूम, आपका जो कमरा है वो क्यूबॉइड की शेप का भी होता है, घनाभ की शेप का भी हो सकता है, घन की शेप का भी हो सकता है। टेबल, यस टेबल के जो ऊपर का हिस्सा है, जो आप कहोगे वो क्या हो गया, घनाभ की शेप का हो गया। बेड, यस। तो ये अलग अलग तरह से, एक बर्थडे कैप, यस एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया। ज्योमेट्री बॉक्स, आपका आपका ज्योमेट्री बॉक्स, आपका टिफिन बॉक्स, ये सारे 3D शेप्स हैं। वेरी गुड। एक बच्चे ने ब्रिक का एग्जाम्पल दिया है, ईंट का एग्जाम्पल दिया है। ईंट बिल्कुल मिलती जुलती है किससे, घनाभ की शेप से, क्यूबॉइड की शेप से। वॉटर बॉटल, एग्जैक्टली वॉटर बॉटल, अलग अलग शेप्स की आ सकती है, कोई भी एक शेप हो सकती है, सिलेंडर हो सकती है, बर्थडे कैप। वेरी गुड। तो सभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, ये सारे ही एग्जाम्पल आप लोगों ने कवर कर दिए हैं। वेरी गुड। इरेजर, यस इरेजर आपकी क्यूबॉइड की शेप की होती है ना। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल आपने कर दिए। तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दोगे जल्दी से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दूं एक। चलो, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही आसान है, सभी को पता भी है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बस मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन से मुझे पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन का जो जो आंसर कर रहा है, इसका मतलब वो बच्चा क्लास में एक्टिव है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैम पोल स्टार्ट नहीं है। हो गया बेटा, चैट सेक्शन खोल लियो। क्यों बेटा, आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं है? कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं है? अभी भी मुझे 12 बच्चों के आंसर मिले, क्लास में मेरे पास 25 बच्चे हैं, तो इसका मतलब बाकी के 13 बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है, बस उन्होंने फोन में गूगल मीट खोला हुआ है, ऐसी बात है। तो फिर तो आप ऐसे डबल डबल इंटरनेट वेस्ट कर रहे हो।
क्लास में हो तो पोल सेक्शन में जरूर जवाब दो। अगर आपके फोन में एक्टिविटी का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है, पोल का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो। फिर जब भी चैट बॉक्स खुलेगा तो मैं आपका आंसर चैट बॉक्स में खोल कर देखूंगी आपने क्या आंसर किया है। ठीक है, चलो बस अब टाइम पूरा 5 सेकंड और दे रही हूँ, जिसने आंसर करना है करो, फिर पोल सेक्शन बंद हो जाएगा और कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। अक्षय के नाम से कौन है, म्यूट पे रखो अपने आप को। चलो रिजल्ट भी देख सकते हो वहां पर, ये कितना आसान क्वेश्चन था। और जरा चैट बॉक्स में मुझे बताओ कितने बच्चों ने गलत किया है। या तो आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने ये पढ़ लिया है कि तीन भुजाओं वाली आकृति कौन सी है, और आपने ऑप्शन सी को कर दिया। जरा देखो बताओ जरा कितने बच्चों ने गलत आंसर किया है, देखकर आओ एक बार पोल में रिजल्ट, पोल में रिजल्ट देख कर आओ सब बच्चे, और मुझे बताओ कितने बच्चों ने गलत किया है। जिनका सही है मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, एक बार पोल में जाओ, वहां जाकर देखो कितने बच्चों ने गलत किया, और मुझे उन बच्चों की गिनती बताओ। वहां पर आपको नजर आ रहा है कितने कितने बच्चों ने क्या क्या आंसर किया है। वेरी गुड, यस, टोटल 8 बच्चों का आंसर गलत है, जबकि ये क्वेश्चन कितना आसान था। ए ए होगा इसका, त्रिविमीय आकृति 3D शेप कौन सी है। देखो आप लोगों को ना रटनी नहीं है कोई भी चीज, समझो। एक चीज मैंने आपको क्या बोली थी, 2D शेप कौन सी होती है जिसको आप कॉपी पे आसानी से बना सकते हो। करेक्ट, कॉपी भी जिसे आप आसानी से बना सकते हो। अब ए जो आकृति है उसे तो आप आसानी से बना सकते हो, एक आयत है। दूसरी वाली जो शेप है वो भी आसानी से बन सकती है, एक त्रिभुज भी आसानी से बन सकता है। अब डी की अगर बात करो, एक बॉक्स वाली शेप है, क्या आप इसे पूरी तरह से अपनी कॉपी पे बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। अभी आपको सिर्फ इसका सामने से जो नजर आता है वो हिस्सा नजर आ रहा है, एक इसके पीछे वाली साइड हुई है जो आपको नजर नहीं आ सकती क्योंकि वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात, 3D शेप और 2D शेप में क्या फर्क होगा। तो इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आप देखोगे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और बाकी सारी 2D शेप्स हैं, द्विविमीय आकृति हैं। अगर आप त्रिभुज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें 3 भुजाएं हैं बट ये त्रिविमीय नहीं है। ठीक है, हम त्रिभुज में अब तक क्या पढ़ते आए हैं, आधार और ऊंचाई, हम अब तक ये पढ़ते आए हैं। हमने दो ही चीजें ली है, आधार ली है, ऊंचाई ली है। अब आप आधार और ऊंचाई कोई भी ले सकते हो, अगर आधार ये ले रहे हो तो ऊंचाई ये ले रहे हो, तो हमेशा इसके दो ही डायमेंशन होंगे, एक आधार और दूसरी ऊंचाई। बट जो ऑप्शन डी है उसमें आप लंबाई लोगे, चौड़ाई लोगे, उसकी ऊंचाई लोगे, इसलिए वो 3D शेप है। कंफ्यूजन दूर हुई, जल्दी से यस और नो लिखो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर कंफ्यूजन दूर हो गई है तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं, क्यूबॉइड के बारे में, घनाभ के बारे में। ठीक है, मैम देखो अब घना क्या एक क्वेश्चन, बोल रहे हो बेटा, आप चैट बॉक्स में लिखो, आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। देखो अभी घनाभ के बारे में मैं आपको बताती हूँ, पहले आप एक सेंटेंस यहां से अगर आप देख लो, घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय बंद आकृति है, यानी एक 3D बंद शेप है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। अभी मैं आपको समझाती हूँ, अभी मुझे ये बताओ कि किस किस को मैं नजर आ रही हूँ। स्क्रीन मैंने बंद कर दी है पर मैं किस किस को नजर आ रही हूँ, सबको नजर आ रही हूँ ना। यस ठीक है, मैम, अब उसमें कहा है कि घनाभ क्या होता है जिसमें आयताकार फलक होते हैं। फलक मैं बाद में समझाऊंगी, पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो बिल्कुल सामने आपके, एक बिल्कुल सामने से देखो आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सी शेप नजर आ रही है बिल्कुल सामने। लॉयन बिल गेमर के नाम से कौन है बेटा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब दो। बेटा मैं पूरे की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सामने बताओ कौन सी शेप है ये। एग्जैक्टली रेक्टेंगल है, आयत है, आयत है, सभी बच्चे मानते हो आयत है।
ओके अब मैं इसको घुमा दूं, अब क्या है? आयत है, अब क्या है? आयत है। तो किस किस के पास आसपास कोई बॉटल? बॉटल नहीं है तो बुक तो सबके पास होगी आसपास, बुक या नोटबुक सबके पास है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक उठाओ और काउंट करो आप कितने रेक्टेंगल काउंट कर सकते हो। खुद से काउंट करो और बताओ मुझे, आप अपनी बुक में कितने रेक्टेंगल काउंट कर सकते हो? बुक तो सभी के पास होगी, बुक नहीं भी है तो फोन है, फोन को काउंट कर लो, फोन को देख लो। फोन नहीं होगा तो चार्जर का जो अडाप्टर होता है उस अडाप्टर को देख लो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चार कैसे हुए बेटा? गिनो, 1 2 3 4 5 6। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, टोटल 6 आयत हैं यहाँ पर, 1 2 और 4 इधर के 6 आयत है ना। 8 कैसे हुए? मुझे 8 बताओ कैसे हुए, कौन सी शेप ले रहे हो आप? क्या लिया है आपने एग्जाम्पल आशीष? छह आयत हुए तो फोन, फोन में भी बेटा 6 ही होंगे। देखो ना, एक इधर का एक इधर का, 2 और बाकी 4 आयत और 6 आयत हो गए ना। एक बार ध्यान से गिनो आप। तो ये जो रेक्टेंगल होते हैं, ये जो आयत होते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम फलक कहेंगे, ठीक है? फेस कहेंगे। क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। ये तो एक घनाभ में, एक घनाभ क्या होता है? 6 आयतों से मिलकर बना होता है, जिसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? एक ऐसी आकृति जो 6 आयताकार फलक से मिलकर बनी हो, उन्हें हम उसे हम घनाभ कहते हैं। तो ये बात क्लियर हुई सबको? अब इसके बाद आते हैं, पहले बताओ सब बच्चों को क्लियर है फलक क्या होता है? बहुत आसान था। अब जो भी आपने एग्जाम्पल उठाया हुआ है उसको अपने साथ रखना। अब आपने क्या काउंट करना है? रुको, तो मैं स्क्रीन पे ही दिखाती हूँ। अभी ये बताना, ये एक ऐसे लाइन, एक दूसरी लाइन, ऐसी देख लो, 1 2 3 4, ये 4 लाइन हुई टोटल, है ना? ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से किनारा हुआ, तो इसे हम किनारा कहते हैं। ये क्या हुआ? किनारा हुआ। ये किसी भी आयत का किनारा हुआ। तो जो ऐसी ऐसी लाइंस है ना, जैसे आप आयत में लंबाई और चौड़ाई कह देते हो भुजाओं को, या अगर आप एक सिंपल भाषा में कहो तो भुजाएं, है ना? तो उसे हम घनाभ को क्या कहेंगे? किनारा कहेंगे। तो जल्दी से काउंट करो किनारे कितने हैं आपके पास, जो भी शेप है उसमें किनारे गिनो कितने हैं। ये गिनने हैं पूरे पूरे, ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, इन लाइंस को गिनना है कि कितनी लाइंस हैं। सब बच्चे काउंट करो। ओके, 4 है तो 4 तो मैं ऐसे सामने सामने गिन सकती हूँ, 1 2 3 4, 4 तो ये सामने सामने की है, मैं पूरे उसमें बोल रही हूँ। 16 कैसे हो गई? आपने ऐसे गिन लिया 4 4 4 4 4 4। 16 कैसे हुई? 24 चार 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 कैसे काउंट कर रहे हो बेटा? अगर आप इधर की 4 गिन रहे हो, ये वाली, अब देखो, 1 2 3 4, आप 16 गिन रहे हो ना, 1 2 3 4, जरा इस पे मैं उंगली रख रही हूँ। अगर आप इधर से 4 गिनोगे तो ये भी तो गिनी जाएगी दोबारा से, इसे आप दोबारा गिन रहे हो। सबसे आसान तरीका बताओ, इधर की साइड गिनो, इधर की साइड के गिनो, सामने के 2 पीछे के 2, सही से काउंट करो। ये तो निशान बनाते हो बुक पे, तो आप निशान लगा सकते हो ना, निशान लगा के काउंट करो। 24 पे कहाँ पहुंच गए बेटा? बुक पे, बुक अगर आपके पास है ना तो बुक से निशान लगा लगा के करो। एक मिनट रुको, मैं ना दोबारा अब अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है? हाँ, अभी मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब सब बच्चे ना बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। अब जैसे यहाँ पर ये आ गया ना, मैंने आपको क्या काउंट करने के लिए बोला था? ये जो किनारे हैं,
ये जो भुजाएं है ना, ये या मैं आपको सिंपल भाषा में बोल रही हूँ भुजाएं, लेकिन हम इन्हें भुजाएं नहीं, इन्हें हम किनारे कहते हैं, इंग्लिश में एजेस कहते हैं। इनको काउंट करो, आपके पास जो भी अपना एग्जाम्पल है, यहां से नहीं काउंट करनी है, आपके पास बुक है, आपके पास जो भी चीज है उससे काउंट करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। तो ये रेड कलर से क्या बना दिए मैंने, रेड कलर से जो मैंने बनाया है वो है किनारे, यस मैम, ठीक है, किनारे हो गई है हमारे पास, ठीक है। और जो ये कलर वाला है ना, जो ये कलरफुल है, ब्लू कलर से जो है, मैं उसी कलर का इस्तेमाल कर लेती हूँ, ब्लू कलर से जो है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पलक कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है जहां पर तीन किनारे आपस में मिल रहे हैं, ये एक बिंदु आपको नजर आ रहा है, इसे आप क्या कहोगे, भी इसे कुछ डिफरेंट ही कलर देते हैं, इसे मैं ब्लैक कलर से कर देती हूँ। जहां पर ये तीन भुजाएं आपकी मिल रही है, मैं भुजाएं शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, बट आपको किनारे समझ आना चाहिए। तो जहां पर तीन किनारे आपस में मिल रहे हैं, इसे आप इस घनाभ का शीर्ष कहोगे। तो अब जल्दी से अपनी बुक पर काउंट करो और बताओ कितने शीर्ष हैं आपकी बुक के, आपकी बुक के कितने शीर्ष हैं। किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, अपने आप को म्यूट पे रखो। किसे किसी ने अनम्यूट किया है, वेरी गुड, यस। तो किनारे क्या हो गए, एजेस हो गए, और शीर्ष क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए, आठ होंगे, बिल्कुल ठीक जवाब। तो ये क्या हो गए, किनारे हो गए आपकी किताब के, ज्योमेट्री बॉक्स, फोन, जो भी चीज आपने इस्तेमाल करी। तो सभी बच्चों ने अपने अपने एग्जाम्पल से कैलकुलेट किया ना, काउंट किया और छू के देखा, पता चला क्या फलक है, क्या किनारा है, क्या शीर्ष है। बुक उठाई थी, क्या क्या एग्जाम्पल उठाए थे आपने, जरा बताओ, किस एग्जाम्पल को देखा, उनके नाम लिखो, बुक था, फोन था, क्या चीज थी, किस चीज को लेकर काउंट किया, बुक को किया सब बच्चों ने, और कोई, बुक, नोटबुक, और कोई, फोन, ओके ओके, टेबल, यस टेबल का देख सकते हो आप, बिल्कुल ठीक, और फोन। तो जो बच्चे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मतलब उन्होंने एक्चुअल में अपने उसको पूरा प्रॉपर करके देखा है ना, समझ आ गई ये चीज क्या होती है, ठीक है। तो आप ना यहां से, रुको मैं अभी स्क्रीन दिखाती हूँ, हाँ यहां से आप नोट भी कर सकते हो, इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये चीज मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। तो जो बहुभुजीय क्षेत्रों, पृष्ठों से मिलकर, यानी ये जो छह आयताकार फलक की बात बारे में हमने जो बात करी है, इरेजर, यस आप इरेजर को देख सकते हो, फेसेस कहते हैं, जहां पर दो फलक आपस में एक रेखाखंड मिलाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, किनारा कहेंगे, एज कहेंगे, और तीन किनारे एक बिंदु पर मिलेंगे, वेरी गुड, जिसे हम शीर्ष कहते हैं। तो सबने नोट कर लिया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन करा जाए एक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी देखते हैं कितने बच्चों को याद है अब जो भी हमने पढ़ा है, और कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। आज तो मतलब आपके पास आसान आसान क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, है ना, ये तो मुझे लगता है पूरी क्लास आंसर करेगी, और एकदम ठीक ठीक आंसर करेगी। एक घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं, चलो चलो, सात बच्चों ने आंसर किया है, ये तो मुझे लगता है टिप्स पे याद होना चाहिए था अब तक सबको, जो भी एग्जाम्पल आपने उठाया था देखो जरा उसे,
चलो 30 सेकंड्स का टाइम, और उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, और अब तक केवल 10 बच्चों ने आंसर किया है। चलो कौन अनम्यूट करके बताएगा, कौन बच्चा एट अनम्यूट करके बताएगा? हाँ बोलो, रमन के नाम से कौन एट है आप बोलो। एट एट, आठ आठ शीर्ष होंगे, बिल्कुल ठीक। क्या एट ये शीर्ष है जो मैंने हाईलाइट किया है अभी? क्या ये शीर्ष है? नो ये शीर्ष है? नो नहीं ये शीर्ष लो नहीं है, ये क्या तो किनारा है ना? तो बिल्कुल ठीक जवाब दिया सबने, आठ शीर्ष होते हैं। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बैठ बी करेक्ट है ना? क्या होता है शीर्ष, क्या होता है अभी मैं बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता। जहां पर भी हमारे किनारे आपस में मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने शीर्ष हो गए? आठ शीर्ष हो गए। आसान क्वेश्चन था ना, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे फिर, लेकिन मैं तभी दूंगी क्वेश्चन अगर मुझे सबके ठीक आंसर मिलते हैं और पूरी क्लास के आंसर मिलते हैं। ऐसा नहीं हो कि मैं पोल में आंसर कर रही हूँ, आप खुद देख सकते हो सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है। तो इसका आंसर था आठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन तो उससे भी आसान है। चलो जी सही करो इस क्वेश्चन को। मैम गलत क्या होता है? फेस मैम भी किनारे बेटा, रतनपाल के भी नाम से कौन है? रतनपाल के नाम से कौन है? तो मैम ऑप्शन आता मैम पोल सेक्शन का ये बात मैंने आपको अपनी क्लास में भी बोली है ना कि अनम्यूट करके आंसर नहीं बताते, बोलिए कि नहीं बोलिए बताओ? तो सॉरी मैम आप हर बार सॉरी बोलते हो और हर बार अनम्यूट करके बोलते हो। मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी टोका है इस चीज के लिए। अगर आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता तो 1 मिनट वेट करो, चैट सेक्शन खुल जाता है, चैट सेक्शन में आंसर करो। चैट में भी मैं सब बच्चों के आंसर देखती हूँ। चलो सब बच्चे इतने आंसर करो, मुझे फिर ये बताना, मुझे अभी आंसर नहीं जानना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा गलत है। यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर से एक चीज दिख रही है, वो क्या है वो बताना। या आप ऐसे लिख सकते हो, ओ के आगे शीर्ष है, फलक है, किनारा है, बिंदु है। ग्रीन कलर से क्या नजर आ रहा है आपको? और ये बताना फिर रेड कलर से क्या है? मैं रेड कलर से भी कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैम चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, बट अभी भी मुझे आंसर तो मिल ही नहीं रहे हैं आप लोगों के। वही 14-15 बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं। तो बताओ ऑरेंज कलर से क्या है, ग्रीन कलर से क्या है और रेड कलर से क्या है? मुझे आंसर जानना ही नहीं है, मैं चैट बंद कर दूंगी अगर आंसर लिखने हैं आप लोगों ने, ऑप्शंस लिखने हैं। जो चीज मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो पहले। ऑरेंज कलर से क्या है, ग्रीन कलर से क्या है और रेड कलर से क्या है? ऑप्शन किसी बच्चे, कोई बच्चा ऑप्शन नहीं लिखेगा। वेरी गुड, जैसे राहुल ने लिखा है, राहुल के नाम से कौन है? उसने बहुत अच्छे से लिखा है, रेड कलर से जो है वो ऑप्शन सी है। ऐसे भी कर सकते हो आप। वही 3-4 बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं। वेरी गुड, विष्णु के नाम से कौन है?
वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखा है आपने नोटबुक पर। ओके, एक बच्चे ने लिखा है रेड कलर से ऑप्शन डी है। बेटा डी तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, तो हम अगर घनाभ की बात करें, ऑरेंज कलर से क्या है, फलक है, फेसेस है। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता था फलक किसे कहते हैं, अभी पता चला। फेसेस जो छह आयत बन रहे हैं ना, सिंपल भाषा में याद रखो, छह आयत है ना यहाँ पर, एक घनाभ छह आयतों से मिलकर बनता है, उस आयत को ही हम फलक कहते हैं। समझ आई बात? उस आयत को ही फलक कहेंगे हम, फेस कहेंगे। बेटा समझ में आई जिसने पूछा था फलक क्या होता है? हो आप क्लास में? यस। ग्रीन कलर से क्या है, हमारे पास किनारे हैं, और जो मैंने रेड कलर किया है वो मैंने शीर्ष पर किया है ना? समझ में आई सब बच्चों को? सबने ऐसे ही लिखा था चैट बॉक्स में? आसान था ना ये? तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट था इस केस के लिए? ग्रीन वाला क्या है, अब यहाँ पर देखो, ग्रीन कलर से क्या है, किनारे, एज। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ऑप्शन बी करेक्ट आया है ना। समझ गए बात को? ओके, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़े, ये चीज अगर क्लियर है तो। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम आते हैं क्यूब के ऊपर। क्यूब के बारे में भी हम सेम चीजें पढ़ेंगे, तो इसलिए सभी ने नोट कर लिया था ना, फलक क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं और शीर्ष क्या होते हैं, क्योंकि अब मैं आपसे पूछूंगी। चलो ठीक है, क्यूब के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो घन एक ऐसी त्रिविमीय बंद आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर देखती हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा घनाभ वाली शेप, घन वाली शेप नहीं है, बट लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इसमें बराबर होती है। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो इसमें छह फलक किस शेप के हुए, मुझे ये क्वेश्चन बताओ। जो ये शेप है, ये शेप कौन सी हुई फिर? रेड कलर से करती हूँ। जैसे उसमें छह आयत थे ना, इसमें क्या होंगे, छह स्क्वायर होंगे। बिल्कुल ठीक, ये छह स्क्वायर से मिलकर बनेगा, छह वर्ग होंगे। समझ रहे हो? घनाभ में क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग थी ना, और हमें पता है आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, जबकि वर्ग में जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है, तो उन्हें हम भुजा भी कह देते हैं। तो इसलिए जो लंबाई है वही चौड़ाई है वही ऊंचाई है। तो घन में क्या, घन की क्या खास बात है? होती 3D आकृति है, होता घनाभ ही है, पर उसमें क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। और आप लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसमें हमारे पास छह स्क्वायर हो गए, जिन्हें हम क्या कहेंगे, फिर से वही बात, फेसेस आ गए। ये कितने फेसेस होंगे इसमें? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कितने फेसेस होंगे घन में। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये क्या चीज हुई जो अब मैं रेड कलर से कर रही हूं, इसे क्या कहोगे, घन आपका, घन का, सॉरी। एजेस होंगे, किनारे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दो फलक आपस में जिस रेखाखंड से मिले उसे किनारा कहेंगे, और इसी तरह हमारे पास तीन किनारे जहां पर मिल रहे हैं उन्हें हम क्या कह देंगे, वर्टेक्स कह देंगे, शीर्ष कह देंगे। तो बिल्कुल ही पुराने वाले चीज की तरह था, बट इस बार भी मुझे
सबके आंसर चाहिए तो फिर एक क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन कर ले, अगर सबने नोट कर लिया है तो। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक घन के कितने किनारे होते हैं? अब देखो किनारा क्या होता है, उसे काउंट करो। हाँ जी, तीन बच्चों ने आंसर किया, ये तो देखते ही करने वाला क्वेश्चन था। नहीं मैं बताऊं? अभी नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, जब कुछ बच्चे आंसर कर देंगे तो मैं आपसे पूछूंगी। नाम बताना आप अपना, नाम बताओ बेटा, मैं पूछूंगी ना फिर। क्या दीप, नाम है? संदीप। संदीप। ठीक है संदीप, मैं 1 मिनट के बाद आपको बोलूंगी अनम्यूट करके, फिर जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसका आंसर करना। अभी भी 8 बच्चों ने आंसर किया है और जिसमें से गलत सही बहुत कम बच्चों का है। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बेटा और पूछो। चलो संदीप, आप अनम्यूट करो अपने आप को, अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका जवाब दो। ठीक है संदीप, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। ये जो मैंने रेड कलर यस किया है मैम, इसे क्या कहोगे आप? मैम चीज इसे हम शीर्ष कहेंगे। और घन के अंदर कितने शीर्ष हैं? 12। 12 शीर्ष हैं। एक बार काउंट करो। मैम 8, शीर्ष तो 8 है मैम। मैम वो हाँ, हो ऐसे गया। कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, विष्णु के नाम से कौन है? विष्णु मैम, हाँ बेटा, आप बताओ, ये जो मैं ब्लैक कलर से लाइंस कर रही हूँ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? हाँ, यस मुझे बताओ आप इन्हें क्या कहोगे? थोड़ी मैम, यस सी आड़ी टेढ़ी हो रही है, बताओ इन्हें क्या मैम, कहोगे? किनारे किनारा किनारा कहेंगे। तो कितने किनारे होते हैं घन के? 12। 12 होते हैं। अभी मैं जरा रिजल्ट दिखाती हूँ। चलो हाँ जी, कोमल के नाम से कौन है? आशीष, आशी, जरा एक बार पोल सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कितने बच्चों ने किनारे का सही उत्तर दिया है। कितने बच्चों ने, वहां जाकर देखो और बताओ कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है इस क्वेश्चन का। मैम 6 बच्चा 6 बच्चों ने सही उत्तर दिया है, सिक्स सिक्स। स्टूडेंट्स ने। और कोई? नो मैम, अच्छा चलो, और कोई बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है कितने बच्चों ने सही आंसर किया है? 8 मैम। 8 बच्चों ने सही आंसर किया है। मैं गलत का नहीं पूछ रही हूँ, मैं सही का पूछ रही हूँ। मैम 5 बच्चों ने। 5 बच्चों ने बस सही आंसर किया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपसे किनारे पूछे गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? अनम्यूट करके बता दोगे, कोई बात नहीं। बी और कोई? अच्छा, किसने बोला? अमित। सी अमित के नाम से कौन है? अमित के नाम से कौन है? चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है बेटा। किनारे क्या है, दोबारा से समझाते हैं, रुको। यहां से जो आप रेड कलर से देख रहे हो ना, रेड कलर वाले किनारे हैं, जो ब्लू कलर से हैं वो वर्टेक्स हैं, और जो कलरफुल यानी कि जो स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर है ना, उन्हें आप फलक कहोगे, फेसेस कहोगे। तो बताओ जरा किनारे कितने हुए? इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो?
इसका मतलब ये आपने नोट नहीं करके रखा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। 12 किनारे हुए ना, 12 किनारे हुए, 8 क्या हुए, शीर्ष हुए, वर्टेक्स हुए। अब समझ में आ रही है बात? डिफरेंस पता चल रहा है? अब अगर मैं पूछूं इस घन के कितने शीर्ष हैं, एक घन के कितने शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? 8 8 होंगे, है ना? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर किनारे की बात हो रही है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना? अगर मैं आपसे फलक पूछ रही हूँ, फेसेस पूछ रही हूँ, तो 6 होगा सही आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या क्या है उसको इमेजिन करो, उसके बाद आंसर करो। अब एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका मुझे सभी से सही आंसर चाहिए, ठीक है? अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ, यहाँ पर था एक घन के कितने किनारे होते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा घनाक जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसे क्या कहोगे आप? चैट बॉक्स में बता दो। एक ऐसा घनाक जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसे क्या कहोगे आप? वेरी गुड, उसे हम घन कहेंगे, क्यूब कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर किया। अब अगर मैं आपके पास एक ऐसा ही ना, सेम टू सेम एक और ऐसा वो बना देती हूँ क्यूब, सॉरी थोड़ा सा, अगर मैं एक सेम ऐसा ही आपके पास क्या करूं, एक ऐसा ही क्यूब बना दूं, घन बना दूं, और मैं कहूं आपसे कि इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों के को आप जोड़ दोगे तो नई शेप जो बनेगी उसका नाम क्या होगा? क्या वो भी घन होगी? जो एक नई शेप बनेगी वो भी क्यूब होगा? सोचो सोचो, आपको मैंने दो घन दे दिए, दो क्यूब दे दिया, मैं बोल रही हूँ इन दोनों को आप जोड़ दो, मिला दो, तो जो नई शेप बनेगी वो क्या होगी? क्यूबॉइड हो जाएगी। यस yes, वो क्या हो जाएगी? घनाभ हो जाएगी, है ना? क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं रहेगी, है ना? तो समझ में आया हमने आज जो भी पढ़ा? काम दे रही हूँ, रुको, हाँ क्लास का टाइम आपका हो गया है। ये चार एक्सरसाइजेस आपको करनी है, प्रश्नावली 9.1, 1.1, 2.1 और 2.2। आपको लग रहा होगा बहुत सारी एक्सरसाइजेस है ना, लेकिन इनमें सिर्फ एक एक ही क्वेश्चन है और मुश्किल से 15 मिनट का होमवर्क है, बहुत जल्दी हो जाएगा।